वो देखो फादर वहां है, आओ। आपको ढूंढते हुए आ रहे। अच्छा, सब लोग आ गए। ये जगह बहुत ही शांत है, आपने तो सुना होगा, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। वो अपना तोमचन का किताब है ना, मेरा फेवरेट राइटर। मुझे भी एक किताब लिखना है, फार फ्रॉम द मैडनिंग चर्च। कल्पना अच्छा है लेकिन प्रायोगिक नहीं है। फादर ए सुगनन है, मेरा जैसा एक रिपोर्टर है। इस जगह के वजह से मेरा कहना आसान हो गया। हम लोग हमारा चर्च में चमत्कारों के नाम पर व्यापारिक लूट के बारे में अखबार में एक रिपोर्ट करने का सोचा है, उसके बारे में हमें कुछ बात करना है। ठीक है जॉनी, हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस तरह भी कोई रिपोर्ट कर सकता है क्या? या फिर अगर करें भी तो क्या लोग आपको छोड़ देंगे? फादर, पहले भी मगर ज्योति के खिलाफ बहुत लिख के मैंने मार खाया है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा करेगा तो मैं जरूर लिखूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ऐसा तो सब लोग यही कहते हैं, लेकिन जब मारपीट होते हैं ना, सब लोग भाग जाते हैं। सुगना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्रकाश न हो तो ही अंधकार होता है, जहां प्रकाश हो वहां अंधकार का क्या महत्व है? माता के आंसू से हमारे पंचायत में विकास होने वाला है। चर्च की ओर इस जन प्रवाह का हमें फायदा उठाना है। नहीं हो सकता, हमारे पार्टी इस तरह का अंधविश्वासों को किसी भी कारणवश स्वीकार नहीं कर सकता। मसब के नाम पर फायदा उठाने से हम सहमत नहीं। आपकी पार्टी इसे किसी भी कारण स्वीकार नहीं करेगी, ये मुझे मालूम है। इस बात को तुम्हारे पार्टी से चर्चा नहीं किया ऐसा मत कहना। ये सब अवतचन का ही खेल है, हमें मालूम है। अवतचन पुल्लानी माला को तीर्थ केंद्र बनाने के लिए हमारे मिनिस्टर से बात किए हैं, बस अब पंचायत समर्थन करे ये काफी है। और फिर और कुछ कहने को तो नहीं है, यही कहने के लिए आप लोगों को बुलाया था। क्या बोला उसने? हाँ, वो लोग परेशान करते हैं। उसे जाकर डूब कर मरने को कहो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? उनसे कहने। अरे चल अंदर जाके बैठ। अरे माता ने आंसू बहाना बंद कर दी, धोखा दे दिया। अरे झूठ मत बोल चाचा जी, कल रात को भी अश्रू बहाते हुए मैंने देखा। अरे जरा ऑटो मुझे देखने दो। आंसू बहाना बंद कर दिया, धोखा हो गया माता। इस तरह की मूर्तियों में कुछ रासायनिक क्रियाएं होते रहते हैं, यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन हमारा विश्वास एक कभी न रुकने वाली धारा है, हमारे लिए तो वही मुखिया है ना। आप जरा चुप रहेंगे फादर, सब बंद करने का इरादा है क्या? आप सभा का दास या सौतन का नौकर? अरे ये क्या हो रहा, आंदोलन करने का विचार है? ध्यान से सुनिए, आप इस माता की मूर्ति के साथ जो खेल खेल रहे हैं ना, चाहे तो इसकी शिकायत मैं वेटिकन में भी कर सकता हूँ, पता है आपको? हाँ चलो आइए, चलिए इसके आगे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। अरे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि माता हमें इस तरफ धोखा देगी। कल रात तक वो बिना प्रॉब्लम रो रही थी वहां। इस सब को ठीक करना पड़ेगा। टॉमी ब्रदर, एक आइडिया है। हमने जो भी एडवांस इस जगह के लिए दिया था वो हमें वापस मिलेगी क्या? यही तुम्हारा आइडिया? वक्त खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो गया, या फिर हमें जगह खरीदना पड़ेगा। मगर माता रोती नहीं है तो ये जगह किस लिए है, और इसका पैसा भी बहुत है। यहाँ क्या देख रहे हो, काम करो। अरे राशन पानी लेकर क्यों चल रहे हो?
अच्छा सुनो, सब हो गया क्या? तो फिर माता के आंसू में डूबा हुआ माला मिलेगा ना? माँ जी, माता ने फिलहाल अपना अश्रुजल रोक कर रख लिया, इसलिए माला का दाम बढ़ गया। क्योंकि चीज मिल नहीं रहा। आप तो मेरे दादी माँ जैसे हैं, इसलिए कम दाम में देता हूँ। एक माला का 100 रुपया। एक 100 रुपया? हाय हाय, मुझे नहीं चाहिए। घर जलने की आग से बीड़ी जलाता है क्या? आवाज सुनी है, लेकिन अभी देख रहे हो, ये तो 7 फुट की बीड़ी है, सब कुछ जला दे गई है। भैया, हम लोगों को 2 जप माला चाहिए। बाप का नाम भी ना जानने वाले तुमने सबसे पहले माता के आंखों में आंसू दे के जब मैंने सुना, तभी मुझे पता चल गया था ये ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला। अरे मेरी माता, ऐसे लड़कियों को क्यों बनाई आपने? अरे जा जा, अब यहाँ तुम्हारी रोना ही बाकी रह गया। जा जा। सुसी छोड़ो ना। अरे टॉमी ब्रदर, तुमने बहुत बुरा किया, उस बच्ची को क्यों रुलाया तुमने? अरे वो बच्ची बहुत ही भोली है। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। अरे तुम क्यों रो रहे हो? सुसी बेटी, क्या हुआ सुसी, बताओ ना। क्या हुआ तुम्हें? अब कुछ बताओगी भी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं आपकी वजह से बाहर कहीं नहीं जा पा रही हूँ। आखिर बात क्या है बेटी? कुल मिलाकर 2,35,045 रुपये माता के आखिरी आंसू से मिलने वाली आखिरी आमदनी है। अश्रु और आमदनी के रुकने के पीछे उस फादर का ही हाथ है। बहुत दिनों पहले कुछ लोगों ने गणपति को दूध पिलाकर बहुत पैसा कमाया। अचानक एक दिन उसने दूध पीना बंद कर दिया और कमाई भी बंद हो गई। कुछ कहूँ मैं, क्यों ना हम भी दूध पिला के देखें? कुछ दिन पीने के बाद रोक देते, कोई बात नहीं। अब फिर अर्चना के पैसे सब कुछ देकर तो बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है। अरे लालच बुरी बला है, पता है ना, तुम अपने साले के साथ माला बेच के लूट रहे थे, अब पूरी तरह से बंद कर दिया। लोगों को दोष क्यों दे रहे हो? आप और सोनी ब्रदर अश्रुजल के सहारे मुंबई में टूरिज्म बिजनेस का प्लान कर रहे थे, वो भी फ्लॉप हो गया ना। इस टूरिज्म बिजनेस को अश्रु के बिना भी मैं चला सकता हूँ। और इस पैसे को लेकर पहले बैंक में जमा करो, जाओ तुम। चिल्लर? हाँ, गिनने के बाद तुम्हें दे दूंगा। मुंह खोला तो झूठ। Thank you.